बच्चों आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो लेखन खंड का व्याकरण का हिस्सा होता है उसमें इस बार के पाठ्यक्रम में एक नया विषय जोड़ा गया है, लघु कथा लेखन। लघु कथा लेखन का मतलब होता है कि आपको एक कहानी लिखनी है लेकिन छोटी। यद्यपि छोटी कहानी का मतलब हुआ कि आपको एक ऐसी कहानी लिखनी होगी कि जिसको कम शब्दों में, जिसमें भाषा की गंभीरता हो, जिसमें वाक्य अच्छे हो, शब्दों का अच्छा प्रयोग किया गया हो और कोई ना कोई गूढ़ विषय भी हो। क्योंकि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए कथा लेखन जो विषय पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है उसको इसलिए जोड़ा गया है कि आपकी भाषा, आपके शब्दों का प्रयोग, आपकी लेखन शैली कैसी है, इससे उस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो 5 अंकों में अगर आपको पूरे अंक कथा लेखन में चाहिए तो आपको ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों, ऐसी लिखावट का प्रयोग करना पड़ेगा जिससे वो प्रभावी हो। तो कथा लेखन के शुरू के पहले, हालांकि कथा लेखन विषय जो है वो बहुत छोटा सा है जिसको कि लिखने के लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ समझाने की चीजें हैं, तो मैंने विषय आपके लिए बोर्ड पर लिख दिया है लघु कथा लेखन। और इसमें जब प्रश्न होगा आएगा तो वो प्रश्न कैसे आएगा, आपको कोई एक प्रश्न बना के दे दिया जाएगा कि इस विषय पर कहानी लिखें। जैसे कि इस समय हम सारे लोग एक बहुत बड़ी बीमारी से घिरे हुए हैं, तमाम तबाही मची हुई है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इसी विषय को उठा कर दे देगा कि होने वाली, इस कोरोना काल में होने वाली परेशानियों को मन और मस्तिष्क में रखकर एक कथा लेखन लिखें जिनमें 200 शब्दों की योजना की गई हो। तो यानी आप 200 शब्दों में एक कहानी आपको बतानी होगी। अब कहानी लिखना जब आप शुरू कर रहे हैं तो कहानी का एक मुद्दा होता है। पुराने जमाने से कहानियां लिखी जाती आ रही हैं, दादी नानी के जमाने से कहानियां हम सुनते चले आ रहे हैं। बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि घर में आपके छोटा बच्चा होता है और उसे आपको बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए कहानी सुनानी पड़ती है। उस समय हम अपनी कल्पना के आधार से बात शुरू कर देते हैं कि एक बार की बात है, या कभी कभी कहते हैं एक राजा था। तो ये जमाने की चीजें थी कि कहानी को हम इस तरह से शुरू करके घटा बढ़ा के उसको एक ऐसा मुद्दा जोड़ देते थे, चाहे उस राजा की, चाहे किसी व्यक्ति की, कि बच्चा बड़ी उत्सुकता से सुनता था कि आगे क्या होगा। तो कहानी का मतलब ही होता है कि ऐसी चीज से बात को शुरू की जाए कि आपके अंदर या श्रोता के अंदर, सुनने वाले के अंदर उत्सुकता बनी रहे। अगर आप इसको लेखन का कार्य कर रहे हैं, लिखने का कार्य कर रहे हैं, तो आपको उसी तरह से अपनी भाषा में इन चीजों का ध्यान रखना होगा कि वो लिखने पर भी बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए। तो कहानी मन की स्थितियों का वर्णन है, तात्कालिक समाज का चित्रण है, किसी भी स्थिति का वर्णन है। कहानी और कुछ नहीं है, एक समाज से हम एक बिंदु उठाते हैं और अपनी कल्पना के आधार पर कहानी की रचना करते हैं। चूंकि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो कहानी के लिए आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, जिस प्रश्न को पढ़कर उसे आप अपनी कल्पना के आधार पर कुछ पात्र बना लीजिए जिनके बीच उस विषय को, जो भी आपको प्रश्न में दिया गया हो, उस विषय को लिखना शुरू करिए। अब आप कहानी को पुराने जमाने से लिखना चाहते हैं या नए तरीके से। पुराने जमाने में
एक राजा था या प्राचीन काल की बात है, ऐसे शुरू होता था। आप किसी और तरीके से भी शुरू कर सकते हैं कि सड़क पर गाड़ियां दौड़ती चली जा रही थी कि अचानक आपने कहानी की शुरुआत कर दी, या आप ऐसे करते हैं कर सकते हैं कि ट्रेन की गति बहुत तेजी थी, चलती जा रही थी और मेरे कानों में ट्रेन की सीटी की आवाज पड़ ही रही थी कि मैंने देखा, अपनी कहानी को जोड़ दीजिए। तो कहानी लिखने के तौर तरीके में समय समय के साथ बदलाव आता गया है। आज आधुनिक काल की जो कहानियां हैं उनमें विषय और मुद्दा जो होता है उसको समझने के लिए कल्पना का स्तर भी बहुत बड़ा हो गया है। समझने के लिए बहुत सारी चीजें हो गई हैं और भाषा और शैली तो अनोखी है ही है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वास्तव में कहानी जो लिखनी पड़ती है, आप उसमें जब लिखेंगे तो किन किन चीजों में, थोड़ा बहुत बोर्ड पर लिख देती हूँ कि आपको किन किन चीजों का कहानी लघु कथा लेखन में ध्यान रखना होगा, तो उन जरूरी निर्देश को मैं सिर्फ लिखती हूँ, फिर आप एक कहानी लिखकर अभ्यास करिए या मैं होमवर्क के लिए आपको एक कहानी दूंगी, उसे आप लिखिए। तो कहानी लेखन का जो विशेष ध्यान देने वाली चीजें हैं वो ये है कि कहानी, श्रेष्ठ कहानी के कौन कौन से गुण होते हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही आपको बताऊंगी। श्रेष्ठ कहानी के जो गुण होते हैं वो मैं सिर्फ कहानी के गुण मैं वो बोर्ड पर लिखने चल रही हूँ, जिससे आप जो भी कहानी लिखें उस कहानी को लिखते समय इन बातों का ध्यान रखें कि वास्तव में श्रेष्ठ कहानी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहले श्रेष्ठ कहानी में जो मुख्य चीजें होती है, कहानी में कहानी की भाषा स्पष्ट, लेखन सुंदर और घटना के अनुसार ही शब्दों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। कभी कभी आप अगर इसको कभी अभ्यास करना चाहते हो तो आप अगर 4 से 5 लोग हो और कहानी का अभ्यास किसी क्रियाकलाप की तरह करना हो, एक्टिविटी की तरह, तो आप में से एक कोई सेंटेंस बोले और कह दे हम खेलते हैं, कोई रुकेगा नहीं, उसमें आपको में से किसी को रुकना नहीं होगा। आपने एक वाक्य बोला, अगले को उससे जोड़कर दूसरा वाक्य बोलना होगा, तीसरे को उससे जोड़कर तीसरा वाक्य बोलना होगा और इस क्रम को आप अगर 10 बार 10 राउंड में जोड़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि अंत में उसमें एक कहानी तैयार हो जाती है। कभी आप इसको अभ्यास करके देखिएगा तो आपको ये बात सही लगेगी। दूसरी चीज, कभी कभी प्रश्न ऐसे भी दिए जाते हैं कि आपको कहानी की शुरुआत में उन्होंने सिर्फ इतना लिख दिया, मैं बाद में इसे बताऊंगी कि 2 वाक्य लिख दिए, कुछ जगह खाली छोड़ दी, फिर थोड़े से शब्द लिख दिए, खाली स्थान भरो की तरह कहानी आपको जोड़ने को भी आ सकती है। या ऐसा हो सकता है कि एक छोटा सा चित्र दे दे और आपको ये कहा जाए कि इस चित्र को देखकर कहानी की रचना करें, तो आपको कई तरीके से कहानी लिखने को मिल सकती है। आपको एक प्रश्न दे दिया जाए, आपको एक चित्र दे दिया जाए, या आपको 2 से 3 लाइन कहानी लिख दी जाए और कहानी को 200 शब्दों में 150 शब्दों में पूरा करें। तो कई तरीकों से लघु कथा लेखन
का प्रश्न दिया जा सकता है। तो आपको ये सारी चीजों के लिए अपने मन मस्तिष्क में चीजों को ध्यान में रख कर चलना होगा कि प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि कहानी की भाषा स्पष्ट, लेखन सुंदर, घटना के अनुसार शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। फिर दूसरी चीजें होती हैं पात्र, कहानी के जो पात्र हैं कहानी में, पात्र संख्या, पात्र संख्या कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। फिर तीसरा होना चाहिए कहानी का एक पात्र मुख्य होता है जिसके जिसके इर्द गिर्द, जिसके चारों ओर कहानी का विषय रहता है। तो ये जरूरी जरूरी चीजें जो मैं आपको बता रही हूं कि कहानी में और क्या क्या होना चाहिए, अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखकर कहानी की रचना करेंगे तो आपकी कहानी श्रेष्ठ मानी जाएगी और अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो कहानी का की घटना है उसमें वर्णनात्मक रूप होना चाहिए। आप कहानी की मुख्य घटना को सहायक घटनाओं के माध्यम से वर्णन करें। आप क्या करिए, कहानी की मुख्य घटना, मुख्य घटना को सहायक घटनाओं घटनाओं के साथ जोड़कर चले, के साथ जोड़ कर लिखें। तो कहानी का प्रारंभ, उसका मध्य और उसका अंत ऐसा होना चाहिए कि प्रारंभ होते ही आपको ये लगे कि सुनने वाले या पढ़ने वाले को ये लगे कि ये जरूर देखना चाहिए कि आगे कहानी में क्या हुआ। जब ये रुचि कहानी के शब्दों के साथ होगी तभी कोई कहानी को आगे पढ़ेगा या सुनेगा। अगर आपने कहानी की शुरुआत को बड़े उत्साहवर्धन तरीके से, उत्सुकतापूर्ण तरीके से कोई ऐसी चीज, किसी घटना को जोड़कर नहीं शुरू की तो लोगों को, ये पढ़ने सुनने वाले को ये लगेगा कहानी कुछ खास नहीं है। तो ये चीजें, तो वर्णनात्मक वर्णन करने वाली चीजें आपको होनी चाहिए। आप अपनी बात को बढ़ाना जानते हो कोई, क्योंकि कहानी समाज का बीज बिंदु है। आपको कोई एक छोटी सी घटना मिल जाएगी, छोटा सा चित्र मिल जाएगा, अब आपको उसमें अपनी कल्पना के स्तर पर बात को बढ़ाना है। तो कल्पना का जो स्वरूप है वो बहुत उच्च स्तर का होना चाहिए कि क्योंकि कक्षा 10 के विद्यार्थी की कहानी बहुत बचकानी अगर होगी तो उसमें नंबर बहुत अच्छे नहीं मिल सकते। तो आपके स्तर की होनी चाहिए घटना के क्रम को। अगर ये आपको दे दिया जाए कि आप आज की स्थिति पर कोई घटना लिखे, या शिक्षा या प्रदूषण, आपको बहुत सारी चीजें दे सकते हैं, भूकंप दिया जा सकता है, कोई भी विषय दिया जा सकता है कि जिसको आप, बदलती परिस्थिति का मानव दिया जा सकता है कि आज परिस्थितियां पुरानी संस्कृति की ओर कैसे लौट रही हैं, इस पर कहानी लिखने को दिया जाए। आज हमारा जो जीवन है
वो कैसे धीरे धीरे फिर वापस पुराने तौर तरीके से जहां से हम चले थे वहीं पहुंच रहे हैं। जो हमारी आधुनिकता का स्तर था वो अब उस आधुनिकता के स्तर पर आकर एक विराम लग गया है। विराम इसलिए लग गया है कि हम पाश्चात्य सभ्यता की नकल करते करते अपने पथ से बहुत उल्टे रास्ते पर चलने लगे थे। अगर ऐसी स्थिति में आज हमारे पास जो समय आ गया है उसको जोड़कर कोई घटना बना करके अगर आपको कहानी लिखने को दी जाए तो आपको पाश्चात्य सभ्यता के साथ आज के दौर को जोड़कर कहानी लिखनी होगी। यानी कि आप में कहानी, आपकी जो कहानी है वो पढ़ने वाले के लिए रुचिकर होनी चाहिए, अन्यथा वो उसे बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा कि आप उसे, उसका मन नहीं लगेगा। और दूसरी चीज, कहानी जहां तक अगर छोटे बच्चों के लिए लिखी जा रही है तो कुछ चित्रों का सहारा अवश्य लेना चाहिए, लेकिन कक्षा 10 का विद्यार्थी लिखता है तो घटनाक्रम बदले, घटनाक्रम को बदल करके लगातार एक बात को कई तरह से कहने में कहानी में रुचि नहीं आएगी। तो घटनाक्रम को बदले और एक घटना को दूसरी घटना से जोड़ कर लिखे तो उसकी कहानी अच्छी मानी जाएगी। तो पांचवा जो आपका विषय हो गया घटना क्रम को एक दूसरे से जोड़कर लिखें, यानी एक घटना जो मुख्य चल रही है दूसरी घटना उसे कटनी नहीं चाहिए, उसी क्रम में जुड़ी होनी चाहिए, तब जाकर के कहानी जो है वो सही ढंग से आपकी पूरी होगी कि हाँ आपने कहानी में जो घटनाएं दी हैं वो सही हैं कि नहीं। इसके साथ जो है संवाद जो होते हैं कहानी के, संवाद छोटे छोटे संवाद आपके कैसे होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे संवाद, छोटे छोटे और आकर्षक भी होने चाहिए, होने चाहिए। हालांकि आपको अगर कहा जाए तो लघु कथा लेखन विषय अभ्यास की चीज है, इसे आपको अभ्यास के दौरान ही बहुत अच्छे से कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपको जो कहानी लिखना है, जो मैं संवाद की बात करती हूँ, तो संवाद में जितने पात्र आपने रखे हैं अगर उनके संवाद आपस में करा रहे हैं तो बहुत लंबे लंबे वाक्यों के संवाद ना बनाएं, उससे रुचि कम हो जाएगी और उस संवाद का जो उत्तर अगले पात्र द्वारा दिया जाएगा वो स्पष्ट नहीं होगा। तो छोटे छोटे प्रश्नों और छोटे छोटे उत्तरों के बीच में संवाद लेखन करें। जैसे आपने कक्षा 9 में संवाद लेखन सीखा है तो आपको संवाद लिखना आता है। कहानी में भी अगर आप पात्रों का संवाद कराते हैं तो उसी क्रम से कराइए, जिससे कहानी जो का जो लेखन है वो देखने में भी आकर्षक लगेगा। और अगर आप उसमें छोटे मोटे चित्रों का सहारा लेंगे तो वो और ज्यादा आकर्षक हो जाएगा। तो कुछ चीजें आपको ध्यान में लेके चलनी होगी कि उसकी भाषा शैली और जो संवाद है उसका मुख्य तत्व है। कहानी में तीन चीज बहुत मुख्य होती है, एक भाषा शैली, उसका संवाद और मुख्य घटना, और कहानी की श्रेष्ठता इन्हीं चीजों पर आधारित होती है। आपकी लघु कथा है तो उसके साथ एक अच्छी बात है कि कहानी के अंत में एक शिक्षा जरूर होनी चाहिए। मैं संभवतः नीचे लिखूं तो आपको दिखाई नहीं देगी, तो मैं 7वां पॉइंट यहां लिख देती हूं, कहानी
के अंत में घटना द्वारा घटना से कोई ना कोई कोई ना कोई शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए। यानी कहानी को पूरा करने के पहले पात्रों द्वारा घटना को ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा करिए कि कहानी पढ़ने वाले को या लिखने वाले ने जो लिखा है वो सुनने या पढ़ने वाले को ये लगे कि अगर मुख्य पात्र ने ये गलती न की होती तो संभवतः उसे इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़ता। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको ध्यान में अगर रखेंगे तो आपकी जो कहानी है वो बहुत उच्च कोटि की श्रेष्ठ कोटि की होगी। तो इस तरह से आपको अगर कहा जाए कहानी लेखन के लिए, मैं देखती हूँ कि अगर किसी साल में आपको जैसे प्रश्न के माध्यम से, एक प्रश्न मेरे सामने है, प्रश्न है कि अपने साथियों को परोपकार से संबंधित एक ऐसी कहानी सुनाइए या लिखिए। मैं प्रश्न को दोहराती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अपने साथियों को परोपकार से संबंधित एक ऐसी कहानी लिखकर सुनाइए जिससे समाज को दूसरों के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिल सके। तो अब देखिए, इसमें पूरी कहानी को आपको स्वयं उसके कर्ता धर्ता आप हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा कि अपने साथियों को आप परोपकार से संबंधित विषय दे रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई ऐसी घटना अवश्य दिखानी होगी कि जिसके माध्यम से किसी ए ने बी की कोई मदद की, राम ने मोहन की कुछ ऐसी मदद की जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। यहाँ पर जो परोपकार दिखाया जाएगा वो शिक्षाप्रद भी होगा। और इस तरह से आप अगर आपकी कहानी का जो उद्देश्य है वो परोपकार होना चाहिए, तो छोटी छोटी चीजों को जोड़कर आप इसको लिखिए। ये प्रश्न आप उतार लीजिए, मैं भी जब इसको पूरा समझा लूंगी तो इस प्रश्न को मैं बोर्ड पर लिख दूंगी। आप उस भावना से अपनी लघु कथा लेखन का अभ्यास करिएगा कि आपकी कहानी ऐसी हो जो कहीं भी पत्र पत्रिकाओं में दी जा सके, अच्छी हो, श्रेष्ठ हो। तो मैंने आपको एक छोटा सा प्रश्न यहाँ बता दिया, और जो इसके बाद जरूरी चीज है वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन बोर्ड पर अब जगह नहीं है तो मैं यहाँ थोड़ा सा रब कर देती हूँ कि आपको इतनी चीजें जानकारी हो गई है। तो मैं कुछ इसके बाद जो कहानी का जो निष्कर्ष है, कहानी का अंत बहुत स्पष्ट स्पष्ट और किसी न किसी किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचा कर के ही अंत करें। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आप कहानी लिख रहे हैं तो उसका अंत कैसा होता है। कहानी आपके सुखांत है, दुखांत है, या कभी कभी बहुत तरह से आज आधुनिक काल में कहानियां लिखने का प्रचलन बहुत अलग तरीके का हो गया है।
कभी कभी ये लगता है कि कहानी ऐसे मुद्दे पर भी लोग लाके छोड़ देते हैं कि आप सोचते रहिए कि कहानी का अंत क्या हो सकता था। लेकिन आप कक्षा 10 के स्तर पर आकर इस तरह की कहानियां नहीं लिखेंगे। ये बड़े बड़े रचनाकारों की बात हम कर रहे हैं, फिल्म बनाने के लिए जिन कहानियों की रचना होती है उस दौरान कभी कभी कहानी जो होती है वो निष्कर्ष उसका न देके उसको सोचने के लिए छोड़ दिया जाता है कि किस तरह से कहानी का अंत हुआ होता तो संभवतः ये कहानी अच्छी होती या ये फिल्म अच्छी होती। तो छोटी मोटी चीजों को रोचकता के साथ और लिखना चाहिए। फिर प्रारंभ में कहानी किस भाव से लिखी जा रही है, उसका प्रभाव आगे कैसा कहानी पर पड़ेगा, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं एक और टॉपिक लिखती हूँ, कहानी का प्रारंभ करते समय घटना का मुख्य भाव जो कहानी में आगे जुड़ना है वह बिल्कुल रोचक और स्पष्ट होना चाहिए। तो चूंकि कथा लेखन ऐसा विषय है जिसमें कहानी के गुणों को अगर आप अच्छी तरीके से नहीं जानेंगे तो आपने एक कहानी रच दी और जांचकर्ता ने उस पे 2 नंबर 3 नंबर दे दिए और ये सोच के कि बच्चे की कहानी का कोई क्रम नहीं है, भाषा अच्छी नहीं है, संवाद अच्छे नहीं है, पात्र बहुत ज्यादा है या बिल्कुल नहीं है, या जो मुख्य घटना है वो पात्रों के इर्द गिर्द नहीं घूम रही, तो उसे ये लगेगा कहानी वास्तव में नंबर देने लायक नहीं है। तो इन चीजों से आप बचिए, कहानी में वो सारे तत्व जोड़िए जो मैंने एक श्रेष्ठ कहानी के गुण के रूप में यहाँ आपको बता दिए हैं। तो इस तरह से अगर आप कहानी लिखेंगे, आप धार्मिक कहानियां पढ़े होंगे, आपने सामाजिक कहानियां पढ़ी होंगी, तो अगर उस आधार पर समाज की किसी घटना से जोड़कर कहानी हो सकती है। मैंने या तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको सिर्फ लिख दिया जाएगा परोपकार के ऊपर एक कहानी लिखे, या हो सकता है सिर्फ इतना ले दे दिया जाए कि बच्चे की मदद करने के भाव से जुड़ करके आप कहानी लिखे। अब आपको कोई कहानी में ये ऐसी चीज दिखानी चाहिए कि एक बच्चा दूसरे बच्चे की मदद किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे कर रहा है, उसको कहानी बना के बताइए। तो किसी भी घटना को बोलचाल की, रोजमर्रा की जिंदगी, सामाजिक स्तर की, आए दिन अखबारों में निकलने वाली घटनाएं, कुछ भी आपको मुद्दा बना के दिया जा सकता है। तो इसको समझने के लिए आपको कहानी की जो श्रेष्ठ बातें हैं वो समझनी चाहिए। और दूसरी चीज, कहानी में जो मुख्य चीजें हैं कि एक अगर पढ़ने वाले के हृदय को वो छू नहीं जाएंगी तो कहानी वो बीच में छोड़ देगा। तो आपको कहानी का जो मुख्य चीजें हैं वो जानना चाहिए। और जैसा विषय हो, कहानी के विषय के अनुसार ही
पात्रों का चयन करना चाहिए। तो मैं एक और जरूरी बात लिख देती हूँ। कथा के विषय के अनुरूप ही पात्रों का तथा कथा के विषय के अनुरूप ही पात्रों का तथा उनके नामों का भी चयन करना चाहिए। अब आपने अगर किसी कहानी को लिखना शुरू किया है तो जैसा आपकी कथा का विषय हो, जिस तरह के विषय पर आप कहानी लिख रहे हो, पात्रों का चयन करते समय उसको जरूर ध्यान में रखिए कि कहानी का विषय किसी बच्चे के इर्द गिर्द घूम रहा है तो पात्र को छोटे बच्चे के रूप में दिखाइए। अगर कहानी का विषय कुछ बुजुर्ग के लिए है तो आप उसको जरूर कहानी में जोड़िए कि उसकी उम्र, उसका नाम और उसका जो पात्र है उससे ये पता चले कि ये कहानी किसी बुजुर्ग के लिए लिखी जा रही है। तो पात्रों का कथा के विषय के अनुरूप ही पात्रों का तथा उनके नामों का चयन करना चाहिए। तो कहने के लिए तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि कहानी में कौन ये सब ध्यान रखता है। नहीं, अगर आपको ये प्रश्न पत्र में शामिल किया गया है तो इसी तरह से कुछ भी लिख देने से आपको अंक नहीं मिल पाएंगे। कहानी, एक श्रेष्ठ कहानी में जो जो गुण होते हैं, इन चीजों को अगर आप ध्यान में रख कर चलेंगे तो निश्चित है कि आपको कहानी में अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इसके साथ मैं एक प्रश्न लिख देती हूं, आप उस पर कहानी की रचना करिए। तो मैं एक प्रश्न लिखती हूं, कथा लेखन भुखमरी भुखमरी की स्थितियों में पड़े व्यक्ति की मदद करने के भाव से 150 शब्दों की एक कहानी लिखें। तो कोई एक छोटा सा विषय दिया जा सकता है या आपको कुछ कहानी का हिस्सा लिख के उसे पूरा करने को भी दिया जा सकता है। तो इस तरह कहानी का अगर अभ्यास करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।